तो हेलो ब्रोज और उनके सिस्ट आपका स्वागत है मेरे चैनल किलर ब्रो में। तो आज हम आ चुके हैं एक इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ। तो आज हम लोग बात करने वाले हैं यूनिवर्सल फ्रेगमेंट के बारे में कि आप लोग जो है इसको कहाँ से ले सकते हो और इसको लेने के बाद इसका यूज कैसे कर सकते हो। तो इस वीडियो में हम लोग काफी सारे बातें करने वाले हैं, इसलिए वीडियो में आपको बने रहना है और आपको वीडियो को समझना होगा। और वीडियो को समझने के लिए आपको वीडियो को एंड तक देखना होगा बिना स्किप किए हुए, तो वीडियो आपको समझ में आएगी और आप इस वीडियो से काफी कुछ सीख सकते हो। तो चलो फिर फटाफट वीडियो को स्टार्ट करते हैं एक छोटे से इंट्रो के बाद। तो गाइस चलिए अब हम लोग बात करते हैं कि आप लोग जो है इसको कहां से ले सकते हो। तो इसको लेने के लिए आपको जाना होगा मिशन स्टोर में। जैसे आप मिशन स्टोर में एंटर करते हो आपके सामने इस तरह बहुत सारा खुल के आ जाएगा। आने के बाद आपको क्या करना है ना, जैसे आप अपना जो मिशन कंप्लीट करते हो, आप सेम अपना मिशन कंप्लीट करते रहना ना जो वीकली में आता है। तो इसमें से आपको देखना यहाँ पे एक जो है मिशन है, इन क्लासिक मोड इन एस्कॉर्ट रिवाइव समवन एज अ मेल कैरेक्टर 3 times, यानी आपको एक ही मैच में क्लासिक मोड खेलना है स्क्वाड में और जो 3 male characters है उसको रिवाइव करना है। आप अगर ऐसे कर लेते हो तो आपको यहाँ 10 universal fragment मिल जाएगा। साथ ही इसमें जो यानी आप जब है सारा मिशन कंप्लीट कर लोगे तो आपका जो है लास्ट वाला बॉक्स है ये खुल जाता है और ये खुलने के बाद आपको यहाँ 20 जो है यूनिवर्सल फ्रेगमेंट मिल जाएगा। उस तरफ वीक 2 में जाके देखना, ठीक है। वीक 2 में एक मिशन है कि आपको 7500 डैमेज देना है शॉर्ट गन से, वो भी क्लासिक मोड में। आप अगर ये कर लेते हो तो आपको जो है यहाँ 10 universal fragment मिल सकता है। साथ ही आप जब सारा मिशन कंप्लीट कर लेते हो तो आपका यहाँ लास्ट वाला बॉक्स खुल जाता है और ये बॉक्स खुलने के बाद आपको जो है 20 universal fragment मिल जाता है। उस तरह आप तीसरे वीक जब जाते हो, जब आप तीसरा वीक में एंटर करते हो, एंटर करने के बाद यहाँ आपको और एक मिशन देखने को मिल जाएगा कि आपको जो है एक ही मैच में क्लैश स्क्वाड खेलना है और 1000 डैमेज देना है, ठीक है। कोई भी गन से आप डैमेज दे सकते हो, कोई भी गन से, ठीक है, वो चलेगा। तो अगर वो कंप्लीट कर लेते हो आप तो फिर आपको यहाँ 10 universal fragment मिल जाता है। और अब जब सारा मिशन कंप्लीट कर लेते हो ना यहाँ पे, तो आपको ये लास्ट वाला बॉक्स फिर से खुल जाता है। खुलने के बाद फिर से आपको 20 universal fragment मिल जाता है। अब हम लोग चलिए लास्ट में बात करते हैं वीक 4 के लिए। तो वीक 4 में भी सेम एक मिशन है यहाँ पे। मिशन ये है कि आपको क्लासिक मोड खेलना है और टॉप 10 में आना है, ठीक है। टॉप 10 में आना होगा, वो भी बिना किल किए हुए। आप अगर ऐसा 3 times कर लेते हो, ठीक है, यानी 3 बार आप अगर कर लेते हो तो आपको जो है यहाँ 10 universal fragment देखने को मिल जाएगा। उस तरह आप देख लेना, आप अगर सारा मिशन से कंप्लीट कर लेते हो तो आपका जो लास्ट वाला बॉक्स है ये खुल जाता है। खुलने के बाद आपको 20 universal fragment मिल जाता है, ठीक है। तो आपको मैं बताने वाला हूँ सबसे लास्ट तरीका, ठीक है, जो सबसे यूनिक है, जो अभी नया आया हुआ है। तो उसके लिए आप यहाँ से बैक चले जाना। बैक जाने के बाद आप जाना कैलेंडर में। जैसे कैलेंडर में जाते हो आपको जाना इवेंट्स में। इवेंट्स में जाने के बाद आपको यहाँ रीजनल बैटल दिख रहा होगा, आप यहाँ एंटर कर देना। एंटर करने के बाद यहाँ आपको गो टू में क्लिक करना है। गो टू में जैसे आप जाओगे यहाँ हल्का सा लोडिंग लेगा फिर खुलेगा। खुलने के बाद आपको क्या करना है ना, यहाँ जो दिख रहा है यहाँ पे क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद आपको जाना प्राइज लिस्ट में। जैसे आप प्राइज लिस्ट में जाओगे आपके सामने इस तरह बहुत सारा खुल के आ जाए कि आपको इतना करना है, इतना करना है। तो मैं आपको बता दूँ क्या करना है। तो आप अगर इसके अंदर गेम खेलते हो और आप टॉप 10% पे आते हो तो आपको जो यहाँ 1000 universal fragment मिल जाएगा, ठीक है। उस तरह आप वीक 2 में जाके जिस तरह खेलोगे, यानी जब वीक 1 खत्म होता है और वीक 2 आता है, फिर अगर आप टॉप 10% में जाते हो तो फिर आपको यूनिवर्सल फ्रेगमेंट मिल जाएगा, वो भी 1000। उस तरह आप वीक 3 में जाओगे, फिर टॉप 10% में आओगे, फिर यूनिवर्सल फ्रेगमेंट मिल जाएगा, वो भी 1000। तो फिर अगर आप जैसे टॉप 10% में आओगे तो फिर आपको 1000 universal fragment मिल जाएगा। तो इस तरह करके आप यहाँ से एकदम फ्री में ले सकते हो। और आपको अगर प्रॉब्लम है कि आप जो है टॉप 10% में कैसे आओगे, तो उसके लिए मैंने एक अलग से वीडियो बना के रखा है, तो आप जो है वहाँ से चेकआउट कर सकते हो। तो मैंने जो अभी आपको तरीका जितना भी बताया सिर्फ फ्री वाला है, इसमें कोई आपको डायमंड नहीं लगता है। साथ ही मैं आपको बता दूँ, अगर कोई कैरेक्टर के लिए आपको फ्रेगमेंट चाहिए तो उस कैरेक्टर के लेके आप खेलना, आपको जो है उस कैरेक्टर के रिगार्डिंग फ्रेगमेंट मिल जाएगा। तो चलिए अब हम लोग बात करते हैं कि आप लोग जो है इसको यूज़ कैसे कर सकते हो। तो इसको यूज़ करने के लिए आपको जाना होगा वोल्ट में। वोल्ट में जैसे ही आप जाओगे, जाने के बाद आपके यहाँ अदर्स दिखाएगा, अदर्स में क्लिक कर देना,
क्लिक करने के बाद नीचे आपको स्क्रॉल करना है। स्क्रॉल करने के बाद आपको यहाँ जो है अपना फ्रेगमेंट दिखता है। फ्रेगमेंट दिखने के बाद आपको क्या करना है, यूज़ में जाकर क्लिक करना है। यूज़ में क्लिक करने के बाद आपके पास जितना फ्रेगमेंट है वो यहाँ शो होने लगता है। अब आपको क्या करना है, जैसे आपको कोई कैरेक्टर के लिए आपको फ्रेगमेंट चाहिए, सपोज मान लेते हैं हमको अगर इस कैरेक्टर का अगर फ्रेगमेंट चाहिए तो इस कैरेक्टर का जो है इसका कंप्लीट कर सकते हैं लेवल वन वाला, ठीक है, सॉरी लेवल टू वाला कंप्लीट कर सकते हैं, यानी हमको इतना चाहिए। तो इसके लिए मेरे पास टोटल अभी 2504 फ्रेगमेंट है, तो मैं इसको देखिए कैसे यूज़ कर सकता हूँ। तो मेरे पास 96 से मैं यहाँ 100 तक कर लेता हूँ। तो 100 करने के बाद मैं यहाँ क्या करूँगा ना, जो यूनिवर्सल फ्रेगमेंट है वो ट्रांसफॉर्म हो जाएगा इस कैरेक्टर में, तो यहाँ से मैं कन्फर्म कर देता हूँ, ठीक है। तो जो कैरेक्टर को लेके हमको ज़रूरत था ये यहाँ पूरा हो चुका है। तो हम लोग सीधी सरल भाषा में बात करेंगे तो यूनिवर्सल फ्रेगमेंट का काम जो होता है वो जो है आपको कोई कैरेक्टर का अगर फ्रेगमेंट का कुछ घटा हुआ स्कोर तो उसको पूरा करने में काम आता है। कोई भी कैरेक्टर हो, कोई भी, आप कोई भी कैरेक्टर को इसको कर सकते यूज। सो आई होप वीडियो आपको अच्छा लगा होगा और इस वीडियो से आपने काफ़ी कुछ सीखा होगा। और अगर वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करना, हमारे चैनल में नया है तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करके ऑल पे सेट कर देना और इस वीडियो को अपने फ्रेंड्स में शेयर करो। तो आज के लिए वीडियो में इतना ही, मिलता है किसी और वीडियो में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय। We'll be right back.